अच्छा जी अब हम ये देखते हैं कि टिपिकली एक जो फ्रेंचाइज़र है वो फ्रेंचाइजी को किस तरह से कंट्रोल करता है यानी वो किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फ्रेंचाइज़र एक फ्रेंचाइजी के ऊपर इम्पोज़ करता है या जो एक फ्रेंचाइजी को फॉलो करनी होती हैं अच्छा उसमें चार तरह की हैं जिस तरह कॉस्ट चार तरह की थी इस तरह, तरह रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ चार तरह की हैं अच्छा उसमें पहली है रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स टेरिटरी और ऑपरेशनल टेरिटरी आम तौर पे आप देखेंगे कि जो फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को राइट ग्रांट करता है वो एक लिमिटेड एरिया के राइट्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कराची की तो या पेशावर की या कोयटा की या लाहौर की या मुजफ्फराबाद की या गिलगित बल्तिस्तान की ये हमारे बड़े बड़े शहर हैं ना जो हमारे यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो मिसाल के तौर पर कराची में एक ख़ास एरिया डी एच ए में स्कूल बनाने की इजाज़त दी गई है या आपको डीएचए में जो है वो फ्रेंचाइज ओपन करने की फ़ास्ट फूड की आउटलेट ओपन करने की इजाज़त दी गई है या आपको क्लिफ्टन के एरिया में कहा गया है कि जनाब आप ये टेलीकॉम कंपनी की फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं आपको क्लिफ्टन में राइट्स दिए गए हैं आप नाजिमाबाद के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाजिमाबाद के राइट्स किसी और को मिलेंगे इस ही आपको मॉडल टाउन लाहौर के अंदर राइट्स दिए गए हैं कि आप यहाँ पर अपनी जो है वो उसी कॉलेज की फ्रेंचाइज को ओपन कर लें लेकिन आप समनाबाद में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं इस तरह ही पिशावर में आप यूनिवर्सिटी रोड जो है वहाँ आपको ये राइट दिया गया है कि जनाब आप जो गाड़ियों की डीलरशिप है वो ओपन कर लें लेकिन आप यूनिवर्सिटी रोड पे ऑपरेट कर सकते हैं आप हयात में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं इस तरह से ही आप मिसाल के तौर पर कोयटा की मिसाल लेंगे तो आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोयटा के सेंट्रल जो, जो, जो जोन है वहाँ पर आप ऑपरेट करेंगे आप जो कोयटा का नॉर्थ एरिया है या जो उसका साउथ एरिया है वहाँ नहीं जाएंगे तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहली जो रिस्ट्रिक्शन फ़ेस करना पड़ती है फ्रेंचाइजिंग के अंदर वो टेरिटरी की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको जिस एरिया में राइट्स दिए गए होते हैं आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो साइट और फैसिलिटी की अपेरेंस होती है वो आपको वही फॉलो करना होती है जो कि फ़्रेंचाइज़र ने आपको दी होती है ये फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रेंचाइज़ राइट मिला है रेस्टोरेंट की आपने फ्रेंचाइज़ ली है और आपने ये मुज़फ़्फ़राबाद के लिए जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके लिए आपने ये राइट जो है वो लिया है अच्छा वहाँ पर आपको अपेरेंस जो बिल्डिंग की अपेरेंस है जो फर्नीचर का स्टाइल है जो अपेरेंस है बिल्डिंग की जो कलर स्कीम है वो आपको वही फॉलो करना पड़ेगी जो कि आपको फ्रेंचाइज़र ने दी है आप कभी गौर कीजिए फास्ट फूड के सारे आउटलेट्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं जहाँ पर भी हों ये टेलीकॉम की फ्रेंचाइजीज जो हैं बिल्कुल एक जैसी लगती हैं जहाँ पर भी हों क्यों उसकी वजह यह है कि फ्रेंचाइज़र ये मैसेज देना चाहता है और यही उसकी स्ट्रेंथ होती है कि ये एक फैमिली के यूनिट्स हैं और इसका फ़ायदा ही होता है कि ब्रांड है ना ताकि कस्टमर्स आसानी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर सकें तीसरी रिस्ट्रिक्शन जिसका आपको सामना करना पड़ता है वो ये कि आप सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकेंगे जिनका आपको राइट right दिया गया है जिनका आपको राइट right नहीं दिया गया ना यानी फ्रेंचाइजिंग में आम तौर पर एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होता है यानी अगर आप एक तो सिर्फ उसी उसी फ्रेंचाइजर की चीज़ों में डील कर सकते हैं जिससे आपने राइट right लिया किसी और में डील करेंगे तो इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाती है कहीं जगहों पे दी भी दी जाती है लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज आप सिर्फ वही ऑपरेट आपको चाहे कोई और सर्विसेज और गुड्स बहुत प्रॉफिटेबल लग रही हो ऑन ट्रेंड भी हो लेकिन अगर वो फ्रेंचाइजर की डोमेन नहीं है ना तो आप उसमें डील नहीं कर सकते हैं कम से कम आप उन फैसिलिटीज को जिनके लिए आपने फ्रेंचाइज ली है उनको इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते हैं ये आपको याद रखनी होगी बात और चौथी बात यह है कि आपके जो ऑपरेटिंग आवर्स और जो एडवर्टाइजिंग होती है ये भी आपका फ्रेंचाइजर स्पेसिफाई करता है तो ये वो चार रिस्ट्रिक्शन हैं जो मेनली आप फेस करते हैं एज़ आ फ्रेंचाइजी और अगर आप ये फैसला कर रहे हैं कि आपको फ्रेंचाइज़ लेनी है तो ये चारों बातें आपके जहन में होनी चाहिए कल को आपके लिए इनमें से कोई चीज फ्रस्ट्रेशन का बायस नहीं बननी चाहिए थैंक यू वेरी मच